काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको इंट्रो दिखा रहा हूँ। असलम भाई आ रहे हैं, नहीं पूरी तैयारी के साथ में हैं आज, और आज का जो शिकार है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए देखते हैं कि क्या होता है। असलम भाई ने शायद कुछ किया है, स्पीड है काफ़ी ज़्यादा, मछली है या नहीं है पता नहीं, देखते हैं क्या नज़ारा होने वाला है। दिखाओ दिखाओ इसको, कभी रुक जाओ तुम इधर, ठीक है सारी दूरी हो रही है, चार दूरी अब जगह है यहाँ पर। ये देखिए साइज इसका बहुत गजब का है। असलम भाई एक फ़ोटो देंगे इसके साथ में कुछ देर में। चलो उठाई अच्छा, तब हम लपेटक शुरू करेंगे। देख लो ऐसे कहाँ वीडियो बनाने लगी, ठीक है तुम मछली वीडियो बना लो। तो ठीक है देख लेते हैं, इसका साइज है करीब होगा 600 से 700 ग्राम, ठीक है। फिर भी इस साइज का अगर, ये तो गेट मछली है, अगर इसी साइज का जो है सौर आता है, सौर आपने सुना होगा वो ज़्यादा बेटर होता है। दरअसल उसमें चर्बी बहुत होती है, तो इसलिए वो खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। ये है देख लीजिए आप, अच्छे से देख लीजिए इसको, साइज छोटा है। तो वीडियो बने रहे और वीडियो को लाइक कर दो यार, ताकि वीडियो बनाने में अच्छा लगता है कि हाँ कोई पसंद कर रहा है, तो इसे क्या होता है एक कॉम्प्लीमेंट तरीके से मिलता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ये असलम भाई की जो शीट है लगता है कहीं फंस गई है, और तोड़ भी दिया उसको, समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या कर दिया है? यहाँ पे अभी असलम भाई ने कुछ देर पहले पकड़ी है एक, तो वो यहीं पे कहीं पे बांध के रखा है उसको। वो दरअसल इसलिए बांध के रखते हैं कि जो है वो ये हमारे हैं बहने, ये है काफी अच्छा साइज है, ये भी अभी भी अलाइव है ये। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा साइज है। एक सामने बंदा जो है वो फेंक रहा है, उसके साइज की है ये, बहुत ही गजब का साइज है ये। साइज काफी अच्छा है ये, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बढ़िया ठीक। कौन सी नहीं यार, अब ही यार हूं फेंक रहा बीचों बीच में, दिन फेंक दिया कहां फेंक दिखा दी। अरे वो इतने पर आप दिख, अब देखिए असलम भाई फेंकने जा रहे हैं, वो फेंक दिया वहां पर। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर तारीफ की जाए तो मुन्ना की तारीफ करने के लायक है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। मुन्ना एक ऐसा बंदा है
जो कुछ भी कर सकता है फिशिंग के मामले में। तो हाँ, ये लोग यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो कि नदी में पानी है, पानी के अंदर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, लेकिन मुन्ना एक ऐसा बंदा है जो पानी के बाहर मछलियाँ पकड़ सकता है। बहुत ही, जिसको कहते हैं कि उसका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा ही है। तो मुन्ना भाई जो है हमारे, वो बहुत ही तजुर्बेकार हैं। तो ये यहाँ पे देख रहे होंगे मुन्ना भाई के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, ये गठरी पड़ी हुई है। रात को जब आते हैं, पार्टी करते हैं, तो इनकी खाट जो है वो टूट गई है, काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर आए नहीं हैं। खाट टूट जाने की वजह से जो है वो, अब जब आएंगे मुन्ना भाई तो यहाँ पर इसको बनाएंगे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ छोड़ो, लपेटते रहो। अरे यार, जो मेरे पीछे कहाँ चले लगे थे यार, कहाँ से दौड़ी का मारी थी घाम। असलम भाई यार, बर्बाद कर दिया। जंगल ये भी ना पता ही हो, अभी मैं नदी से काफी ऊंचाई पे बैठा हूँ। यहाँ पर दरअसल धूप काफी ज्यादा है, तो गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैं इधर चला आया। आप लोग वहाँ देख रहे होंगे, उधर काफी दूर आपको दिख रहा है खालिद, वो भी फिशिंग कर रहा है। असलम भाई भी काफ़ी दूर हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। एक सेकेंड, ये देखिए इस पावे के साइड में दिख रहा है आपको। हाँ, तो धूप की वजह से मैं चला आया। वैसे तो वैसे एक्चुअली हुआ क्या, सुबह सुबह निकले थे, कुछ खाया पिया भी नहीं, बिल्कुल सुबह सुबह निकल आया। तो अभी यहाँ पर कुछ मिल भी नहीं रहा है, अभी होटल भी नहीं खुले हैं, तो वेट कर रहा हूँ मैं कुछ खा के, उसके बाद जाऊँगा, फिर जो है फिशिंग करूँगा। तो मैं यहाँ पर, ये मज़ार टाइप का बना हुआ है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा लग रही है, तो काफ़ी सुकून है मुझे यहाँ पर, तो मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ पर, वीडियो में बने रहो। आगे जो भी है आप देखते रहो, काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। एक और है, दो है क्या? एक है, एक उधर भी दो है यार। नहीं, एक है, दो एक ही नहीं यार, भगवान तुम्हारी छोटी है कि इससे बड़ी है? बड़ी या छोटी इससे दुई है? वो छोटी है। मारे तो बाद में या हो तुम के बाद में मारे वाली चप्पल बांधी, जो कुछ बांधे नहीं मिला रहा है। ना यार, मस्त चप्पल पहनी का है इमा, चप्पल मारी पहले इमा फसा रहा है, इमा फसा रहा है, देखो तो फसी है, वो गनपुरम फसी रहा है। ये दो तो है, साइज काफी अच्छा है, लौंडे को पकड़ के दिखाता हूँ। तो चलो छोड़ो 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 छोड़ो, दोनों छोड़ो, उठाओ तो उठाओ उठाओ उठाओ, टांगो लाओ दोनों उठाओ साइज, ये साइज देखो, उठाओ थोड़ा और ऊपर लो। ये यहाँ पर जो एक्सपर्ट है, जो वेट करने के, वो बता रहे हैं 1 किलो से ज्यादा है ये। गुफरान भाई बता रहे हैं यहाँ पर। तुम बताओ अपना तजवीज़, फोटो तुम्हारा साफ आओ। हाँ, ये भाई इसने मारी है, बताओ। पकड़ लो खालिद, चलो हाँ लगाओ खालिद। ये भाई खालिद भाई का है कमाल, बताओ जल्दी जल्दी। ये खालिद भाई जो है यहाँ पर, इन्होंने भी कुछ मेहनत करी है, इसलिए अंडे वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेकंड वाली है, ये अंडे वाली है। नर मादा की पहचान बहुत ज्यादा है, तैयारी हो चुकी है और अब चलने के लिए तैयार है गुफरान भाई भी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते रहें तो अच्छा लगे कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो काम करने में मज़ा आता है। तो वीडियो को लाइक भी कर दो, लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी, और साथ ही साथ चैनल को, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।